असलम प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है नाजरीन माह मुकद्दस मुतबरक महीना रमज़ान शरीफ का महीना हम जब में रमज़ान की बात करते हैं तो इसके मुख्तलिफ अशरों की बात करते हैं तीन अशरे हैं इस मुकद्दस महीने के आप देखें कि पहला अशरा रहमत का है दूसरा मखफरत का है तीसरा अशरा जो है वो आपकी तोबा का हम देखें कि इस पूरे महीने में इंसान की और इंसानियत की फलाह और बका के लिए रहमतों का नजूल होता है नेकियाँ होती हैं शैतान को जकड़ दिया जाता है जंजीरों में और हरत के लिए दावत आम होती है कि वो जितनी भी नेकियाँ समेट सकता है वो समेट ले इस माह मुकदस में एहतराम वाले महीने में ओलोमा का क्या किरदार है हमारे फ़राइज क्या हैं हकूक क्या है और ख़ास तौर पर इस वक़्त जो एक इन्वायरमेंट है एक ऐसी बीमारी एक ऐसी लहर जिसने इंसानियत को बहुत खौफनाक तरीके से मुतासर किया है उसकी भी तीसरी लहर है लेकिन हमने नमाज पढ़ना है हमने तराबी करनी है लेकिन इसी के साथ साथ एस ओ पीज़ का भी ख्याल करना है आज इसी हवाले से हमें गुफ्तु करनी है और ये तमाम चीज़ें आप तक पहुँचानी हैं मेरे साथ बहुत दो खूबसूरत और बहुत पढ़े लिखे आलम मौजूद हैं उनसे आपका तारफ़ कराता हूँ फिर प्रोग्राम को शुरू करते हैं मेरे साथ हैं गुलजार अहमद नईमी साहब जाम निया के मोहतमे में बहुत इलमी शख्सियत है अमामा साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप तशरीफ़ लाए उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर शमसुर रहमान, शमस साहब आप मदारस पाकिस्तान के नायब सदर हैं एक बड़ी इलमी अदबी शख्सियत है आपका भी बहुत शुक्रिया साहब मैं प्रोग्राम आपसे शुरू करना चाहता हूँ एक को बहुत नीकियों वाला महीना रमज़ान शरीफ का महीना एहतराम भी है और हम पे बहुत सारी चीज़ें वाजिब हो जाती हैं हम रोज़ा तरावी सहर अवतार सब करते हैं रमज़ान की फजीलत पे आप अगर बात करेंगे तो इसको कैसे शुरू करेंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हाशमानी साहब बहुत शुक्रिया इस बहुत ही मुतरक और अजीम माह मुबारक पर गुफ्तु के लिए जनाब ने हमें जो है वह बुलाया है मैं ये समझता हूँ कि ये इतना अजीम महीना है इतना अजीम महीना है कि ख़ुद रसालत मब सल्ला वम ने इस महीने के शुरू होने से पहले एक खुतब इस्तबालिया इरशाद फरमाया इस माह मुकर्रम के इस्तबाल के तौर पर आप जरा इसकी अहमियत इससे आप अंदाज़ा अशवानी साहब फरमा लीजिए कि महीना कितना बड़ा होगा जिसके लिए ख़ातम अम्बिया जो है एक खुतब इस्तबालिया जो है वो आ, अता फ़रमा रहे हैं सैद सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अल्ला से एक बहुत ही तवील हदीस जो है वो मरवी है कि सरकार दोम सल वसम ने हमें रमज़ानमबारक के शुरू होने से पहले खुतबा इरशाद फरमाया और ये फरमाया कि तुम्हें पता है कि तुम किस महीने की तरफ़ जा रहे हो और कौन सा महीना जो है वो तुम्हारी तरफ आ रहा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया जैसे कि आपने भी अपनी इंट्रो में बात की कि सरकार ने फ़रमाया कि ये एक ऐसा महीना तुम्हारी तरफ आ रहा है कि अव्वल हु रहमत ओसित मगफ़रतन व आखिर हु इतकुम मिनन्नार पहला अशरा जो है वो रहमत है दूसरा अशरा इसका जो है वो मगफरत है तीसरा अशरा जो है वो जहनुम से आज़ादी का अशरा है तो ये यानी डिवाइड किया रसालत में आप सल्ला वम ने इस माह मुकर्रम को हालांकि तीनों की तीनों इंसानियत की मुसलमानों की फ़लाह बहबूद के लिए रहमत भी इंसान को चाहिए मगफ़रत भी इंसान को चाहिए जहनम की आज़ादी से लेकिन उसको तकसीम करके आप सल्हलम ने इसकी अहमियत को जो है वो और उजागर जो है वो फरमा दिया और फिर ये एक ऐसी इबादत है कि ये कंट कंटिन्यू कर रही है यानी पिछली कौमों से जो है ना वो ये कंटिन्यू कर रही है ये एक ऐसी इबादत है कि जो इंसान की तारीख़ के साथ जो है वो जुड़ी हुई है तो ये बहुत अजीम है कि जिसको रसालत में आब सली वसल्लम ने नायत खूबसूरत अंदाज में रेगुलर फरमा के एक पूरे माह मुक़दस को रमजान मुबारक करार दे दिया जिसमें पूरे महीने में मैं आप हम सब जो हैं वो अल्लाह की रहमतें समेटते हैं और अल्लाह सुबान वताल अपने रहमत के साथ जो है वह हम पर नजुल फरमाता है हमारे गुनाहों को माफ फरमाता है हमारे रिज्क में फ्रावानी फरमाता है हर किस्म की आफात व बलियात से हमें महफूज रखता है इसलिए ये वो महीना है कि जिस महीने को हम जो है वह महीनों का सरदार कह सकते हैं क्योंकि नबियों के सरदार ने इसकी तारीफ जो है वो बयान बिल्कुल मुफ्ती साहब ठीक है नबियों के सरदार ने फरमाया कि ये एक ऐसा महीना जिसमें आप जितनी रहमतें जितनी आप बेहतरी समेट सकते हैं समेटें डॉक्टर हम अगर आपके वफाकुल मदारस की तरफ आते हैं कि जो इन्वायरमेंट है ख़ास तौर तो पर इस साल हमने इबादत में भी हिस्सा लेना है। हमने अवतारी करनी है सहरी करनी है मस्जिद नब्बी और सऊदी अरब के अलावा पूरी दुनिया के साथ साथ हमने एस ओ पीज़ को भी ले कर चलना है इस पर आपके वफाकुल मदारस ने कोई पेशबंदी की हुई है अपने कि किस तरह इबादत भी करनी है और हमने इस खौफनाक लहर से भी बचना है इस पर थोड़ी सी बात कीजिएगा रमजान मुबारक का मुक़दस और बाबरकत महीना है मैं अगर, अगर, अगर शॉर्टकट में कहूँ तो ये तरबियत का महीना है तस्कीये का महीना है तैयारी का महीना है जिस तरह बंदे को अल्लाह रबुल्ज़त अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए इस महीने में बदर बदरज अतम तैयार करता है अब जहाँ बंदा पहले अशर रहमत में इबादतें करके अल्लाह को राज़ी करता है तो इबादत में दो किस्म के हैं एक अल्लाह की इतात है वो अल्लाह के हकूक़ हैं अल्लाह जिन्हें दूसरी अल्लाह के बंदों की ख़िदमत है ये अल इबाद में आती हैं अल्लाह हमसे जो तकाज़ा करता है कि हम अल्लाह की इबादत भी करें और हम हैं अल्लाह की मखलूक़ की ख़िदमत भी करें हकूक़ाद की अदायगी भी करें इसलिए कि हक़ूक़ल्लाह में अगर कोताही हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़त माफ़ फरमा देता है लेकिन अगर हम हुकूक वबाद में कोताही करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़त हुकूक वबाद नहीं माफ़ करता हुकूक वबाद और जिसकी हक तलफी की उससे माफ़ी मांगना पड़ेगी तो मैं गुज़ारिश ये कर रहा हूँ कि जब पूरी दुनिया में इबादात का अहतमाम किया जाता है और मसाजिद में मदारस में ख़ानाहों में तो गुजा हमारा जो तजुर्बा रहा है पाकिस्तान के हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ तो जो फार्मूला तमाम मदारस के मुशतरक बोर्डों ने बैठ कर गोरमेंट पाकिस्तान के साथ जो बीस नुकाती एक एजेंडा तय किया और उस पर मैं अगर ये कहूँ तो मुबालगा नहीं होगा कि सौ फीसद अगर एस ओ पीज़ पर अमल किया गया है तो वो मदारस मसाजिद और खानकाहों में किया गया पूरी दुनिया ने उसका अतराफ़ किया फिर दुनिया ने मिस्र समेत सऊदी अरब समेत बेशतर इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान की बीस निकाती एजेंडे को फॉलो किया उन्हीं एस ओ पीज़ को फॉलो किया उससे इस कोरोना की बीमारी और इस वबाई मरस के तदारक के लिए जो इकदाम करने थे उसमें बड़ी हद तक जो हमारी मदद हुई वो इन इसी फार्मूले और इसके तहत हुई मैं थोड़ी सी वजात इसलिए करूँगा कि मेरा अखलाकी फ़र्ज है इस्लामिया का आपने जो तारफ़ फ़रमाया ये नए बोर्ड जो भी बने हैं वफाकमदार्सलमियाविया उसका मैं मरकज़ी नायब सदर हूँ हमने यह तय किया है अपने मरकजी काबीना में आ, मुफ्ती साहब के इलम में है कि इन श जो गुज़त एसो पीस पर अमल दरामद में हमने अपना एक किरदार अदा किया था मदारस ने मसाजिद ने तो वो इस साल भी हुकूमत के साथ बैठ कर हमें हुकूमतों के आ, से गरज नहीं है कि हुकूमत सियासी तौर पर किसकी है किसकी नहीं है हमें रियासत से गरज है और पाकिस्तान की कौम से गें डाक्टर साहब रियासत से गर्ज है हमें इस्लाम से गर्ज है हमें इंसानियत की, की गर्ज है।, है और कुदरत ने जो आपका एक मतबरक और बड़ा मकाम रखा है मेबर पर बैठ कर जब आपके लफ्ज़ मुँह से निकलते हैं तो वो लोगों के लिए हदायत का रास्ता बनते हैं मुफ्ती साहब हम ये चीज़ देखते हैं कि ओलमाए कराम ने हर दौर में अपना किरदार निभाया लेकिन हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पे आवाम उसको बात फॉलो नहीं कर पाई या उसकी अवेयरनेस कम रही आलम तो अपने हिस्से की बात कर जाता है लेकिन वो अवेयरनेस जो पूरी तरीके से आगे कन्वे होनी है उसमें बात रुकावट आ जाती है उसमें उलमाए कराम जो हैं वो भी एक इज्तमी शक्ल में एक अपने एजेंडे को लेकर कन्वे करें ताकि आवाम तक प्रॉपर मैसेज भी हो और वो नेकी के उस रास्ते पे चले जिसकी हमें दीन तलकीन करता है अजवानी साहब बहुत खूबसूरत सवाल आपने फ़रमाया है मैं ये समझता हूँ कि कि़लए कराम जो है उनका जो फ़र्ज़ मनसबी है वो अवामानन्नास की जो है वो तरबियत करना है एजुकेट करना है उनको और उनकी ट्रेनिंग करनी है कि कैसे जो है वो हम जब भी इस किस्म की कोई सूरत हाल आती है तो उससे नबरद आज़मा जो है वो कैसे होना है एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमने पिछले साल भी आ, हुकूमत के साथ बैठ कर जितनी भी मीटिंग्स हुई ईवान सदर में हुई मीटिंग्स और प्राइम मिनिस्टर के साथ ही मैं ख़ुद उसमें मौजूद था और अलहमदिल्ला वो एस ओ पीज़ बनाने वालों में हमारा भी जो है ना वो किरदार है अलहमदल माशा सो गुजारिश ये है कि हमने वो बहुत ही कंसेंसिस से वो एस ओ पीज़ बनाए और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी जो है ना वो हुआ प्रेसिडेंट ऑफ़ पाकिस्तान हमारे इदारे में तशरीफ़ लाए तरावी के दौरान तशरीफ़ लाए और उन्होंने देखा और उन्होंने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को कि यहाँ पे मसाजिद में जो है ना वो हो रहा है बिल्कुल ज़बरदस्त बात है मुफ्ती साहब में यही आपकी बात डॉक्टर शम साहब के पास ले कर चलता हूँ डॉक्टर साहब मैं ए, इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर मैंने एस ओ पर अमल किया मैंने अपनी जान बचाई मैंने इंसानियत की जान बचाई लेकिन बहुत सारे लोगों ने अमल नहीं किया अब हमें इस महीने में ये भी देखना होगा कि इंतज़ामिया उन पर थोड़ी सख्ती भी करे क्योंकि एक शख्स का अमल जो है वो बहुत सारे लोगों को मुतासर कर रहा है फिर इसी रमज़ानमबारक में हम देखते हैं इतना रहमतों वाला महीना ख़ूबसूरत महीना नेकियों वाला महीना हुकूमतें सब्सिडी देती हैं चीज़ों को सस्ता करती हैं लेकिन बदकिस्मती से एक गिरोह है एक ग्रुप है एक माफिया है जो चीज़ों को स्टोर करता है मसनू महंगाई करता है गरीब की जिंदगी के लिए मुश्किल पैदा करता है इस महीने में तो उनके साथ भी सख्ती होनी चाहिए इस्लाम इसको किस रूप से देखता है किस नज़र से देखता है हशवानी साहब दो बातें मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ पहली बात यह कि सरकारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वबाई मरस के यहाँ तक इरशाद फरमा दिया मुफ्ती साहब खबिला तशरीफ़ फरमा है कि जस वबाई मरज जब फैलने का ख़तरा होता है उस इलाके में जाने से मन किया उस वबाई मरज में कोई मुब्तला शख्स है तो उसको वहाँ आने से मना किया इंतहाई एहतियात की पेश नज़र ये हमारे लिए गाइडलाइन है कि हज़ू आल सलाम ने बाई मरज के लिए हमें क्या गाइडलाइन दी है कि वो बाई मरज में कितना एहतियात लाज़िमी है लेकिन मैं इसके साथ कनेक्ट आपसे जो अर्ज़ कर रहा हूँ जितना ज़ोर हम मैसल कौम में नसल रियासत में नसलकूमत हम ज़ोर देते हैं मदारस पर मसाजद पर उतना ही ज़ोर हमें पब्लिक इज्तम पर देना चाहिए बड़ा अहसन इकदाम है शादी पर पाबंदी जो ओपन गैदरिंग है बड़ा अहसन इकदाम है होटलों में बैठने पर पाबंदी लेकिन इसका क्या किया जाएगा जो बड़े बड़े सियासी इजमारत होते हैं बड़े बड़े मजहबी इजम होते हैं और वो लोग किसी एसो पीज़ को नहीं फॉलो करते मैं बड़े दावे से अर्ज कर रहा हूँ इन शाह मेरे साथ इस पर मानेंगे कि जितने जो बड़े सियासी इज्त होते हैं मजहबी इजम होते हैं क्या उन लोगों को वबाई मरज का इधराक नहीं है क्या उन लोगों के का ये जज्बा नहीं है कि मुसलमानों को बचाएं? मैं ये अपील करता हूँ मनहसौम हमने देखना है इस्लाम की हैसियत हमने देखना है कि हम इतने बड़े इज्त करने जा रहे हैं उसी सुपीज को हम फॉलो भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं दूसरी बात जो आपने जखीरानंदोजी वाली बात की महंगाई वाली बात की वो अगर हम हर एक मुसलमान इस बात पर तैयार हो जाए कि हमने हकूक़ वाल बात का ख्याल रखना है हमने इस्लाम के बुनियादी असूलों को फॉलो करना है अब अंदोसी से हजूर आल सलाम ने उसकी जितनी मजम्मत की है सारे उलमा ने आपको बताया है हम रमज़ान मुबारक के महीने से पहले अशियाई ख़ुरदनी की जितनी कीमतें हैं वो हुकूमत बढ़ाए ना बढ़ाए हम ताजर अस खुद बढ़ा देते हैं या यह रमज़ान है डॉक्टर साहब की बातें जो है ना मुफ्ती साहब बहुत अच्छी हैं इन पर अमल होना चाहिए लेकिन एक आइडियल माशरे में तो इस तरह होता है लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास ऐसी सूरत हाल नहीं है हमने गुजत कई सालों में भी इसको देखा तो हमें अपने रवैयों के साथ साथ अपनी इंतज़ामिया कोमाए क़राम के किरदार को और मैं ये समझता हूँ कि इसमें सख्ती भी होनी चाहिए कि अगर कोई असूलों की इस्लामी असूलों की मुल्की कवानीन की ख़िलाफ़ी कर तो एक राशिदीन के दौर में भी हम देखते हैं कि सख्ती तो रही है कि होनी चाहिए क्योंकि पूरी मिलत को साथ ले चलना है आ, बहुत अहम सवाल है और आपके सवाल के दो बड़े अहम हिस्से हैं एक ये है कि हमें इसको मैनेजमेंट वाइज जो है ना वो दुरुस्त करना है सेकेंडली जो आपने अहम बात फरमाई है वो ये है कि हमने रवियों को जो है वो दुरुस्त करना है देखिए मैनेजमेंट अगर ठीक है तो फिर तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता लेकिन जब तक रवैया दुरुस्त नहीं होता एक इंडिविजुअल का एज अ नेशन एक कौम का रवैया दुरुस्त नहीं होता उस वक्त तक माफियाज जो है वो एक्सप्लाइट करते रहेंगे पाकिस्तान में ये जो माफियाज क्रिएट हुए हैं ये हमारे रवैयों की वजह से क्रिएट हुए हैं आलामा सर बिल्कुल बहुत बहुत खूबसूरत बात कही जितनी मेरी जरूरत है मैं अपनी जरूरत के मुताबिक चलूंगा डॉक्टर साहब ये जो हम देखते हैं कि وزیراعظم पाकिस्तान जब जनाब इमरान खान उनकी टीम को हम देखते हैं हकूमत को देखते हैं फिर उसी के साथ साथ मुखर हजरात को हम देखते हैं आ, वजीर अज़म ने कहा कि कोई भूखा ना सोए उसके लिए सैरी अफ्तारी के लिए मोबाइल गाड़ियों का बंदोबस्त किया बैतलम उसमें जो है वो इन्वाल्व है डॉक्टर सानिया नस्तर की मनिस्ट्री जो है एहसास की वो भी उसके साथ शामिल है जो मुखर लोग हैं वो भी इस तरह के इतमात करते हैं ग़रीबों को रोज़ा खुलवाते हैं रखवाते हैं ये सारी चीज़ें भी हैं राशन भी तकसीम होता है इस्लामी नुक़ नज़र से जब देखें इसमें इस्लाम हमारी रानुमाई कैसे करता है क्योंकि बाज़त भगदड़ में गरीब को बेचारा वहाँ पर कुचला जाता है उसका इस्लामी तरीक़ा क्या होना चाहिए इन मुखर आज़ाद के लिए और सब लोगों के लिए असल में अशफानी साहब आपने दुरुस्त फरमाया है कि हुकूमत एक दुरुस्त हिम्मत में एक कदम उठाया है तो बदकस्मती हम हैसौम हमारी ये है आ, मैं उसकी छोटी सी मिसाल दूंगा आ, अपने आ, नाजरीन के समझाने के लिए कि अगर आ, मुफ्ती गुलजार नईमी साहब नफल पढ़ना शुरू कर दें तो हम इसमें ये कीड़े निकालने शुरू कर दें कि जो नफल पढ़ रहा है ये रिया के लिए पढ़ रहा है अब नीयतों का इलम रखने वाला तो रब है वज़ी अजम ने ऐलान किया एहसास करें और हमदर्दी के तहत कोई भूखा न सोया जो आपने फरमाया एक लंगर शुरू कर दिया तो एक अच्छाई है बजाय इसके कि ये अच्छाई कौन कर रहा है उसके दिल को तो आपने नहीं अंदर से टटोल कर देखा तो आप ये राय क़ायम करते हैं कि ये रिया है ये ग़लत है इसको छोड़ें ये आपकी हुकूमत पर पर्दा नहीं डाल सकती है एक कदम अगर रियासत मदीना की बात की है और रियास मदीना की मिसाल के तौर पर पहले ईंट के तौर पर वो अल्लाह रब अव आमन हम ख़ौफ़ ये तो कुरानी करीम का हुक्म है यानी भूख से निजात और ख़ौफ से अमन अमन का क़याम ये दो बड़ी बुनियादी चीज़ें जिसको कुरान और अल्लाह का हुक्म है हमारे लिए अगर उनमें से पहले खर्च के तौर पर बुनियाद के तौर पर भूख और अफलास का ख़ात्मा है और कर रहा हुकूमत कर रही है तो इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए था को मैं अहले मुखिर हजरा की तरफ आता हूँ आपने जो इशारा फरमाया वो हजरात इस चीज़ से बेखौफ और बेख़तर हो जाएँ उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते कि जब हम इस खौफ से नहीं निकल लेंगे कि मैं ये चीज़ ख़र्च कर रहा हूँ कोई कहेगा इसने रिया किया है नमूद वनुमाइश की है ये आपका और अल्लाह का मामला है पूरा एक साल हमने मुश्किल में गुजारा बेरोज़गारी में इजाफा हुआ गरीब को बहुत मुश्किल हुई और इसी के साथ साथ हमने देखा कि वो जो अकलीती लोग हैं जो हमारे पास रहते हैं हमारे मुल्क के शहरी हैं पुरान शहरी हैं हमें इस दफ़ा पहले से बढ़ चढ़कर कर बहुत बेहतर तरीके से हुकूमत को भी इदारों को भी मुख़ हजरत को भी किरदार अदा करना होगा ये तो हशवानी साहब इस्लाम का बुनियादी हुक्म है सरकारी दुआम सल वसम ने इनके लिए जो हदूद जो हमारे साथ रह रहे हैं अकलीतें जो हैं उस उनके लिए बाहसीती शहरी वही हकूक़ हैं जो एक मुसलमान के लिए हैं यहाँ तक हजूर अल सलाम ने फरमाया कि अगर एक मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम के साथ नाजायज़ नारवा सलूक रखा एक मुक़दमा बना दिया केस बना दिया तो मैं क़यामत में उस शख्स का जो गैर मुस्लिम है उसका वकील बनूँगा अल्लाह की अदालत में उसकी फ़ैसले का मैं वकील बनूँगा कि इसके साथ ज़्यादती हुई है तो इस्लाम बहसीत मजमू दीन के हसीियत से दीन इस्लाम जो है पुरान दिन है बाहमी अख़वत व यगानगत वाला दीन है पूरी दुनिया में इस्लाम जितना पीसफुल दीन है इसकी मिसाल किसी और दिन में मौजूद नहीं है तो पाकिस्तान को बहसीत इस्लामी रियासत हमें मॉडल होना चाहिए उन अकलीतों के लिए जो यहाँ हमारे पास रह रही हैं कि उनके साथ हम ऐसा हुसन सलूक रवा रखें उनके हकूक़ का हम इतना ख्याल करें कि पूरी दुनिया में लोग मिसाल देते हुए पाकिस्तान का नाम लें कि पाकिस्तान इतना मिसाली मुल्क है जहाँ अकलीतों के हक़ूक़ का तहफ़ हो रहा है अलहमद ये हो रहा है इसको मज़ीद उसकी पुख्तगी के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के तमाम शहरीों का फ़र्ज़ है को अपने अकलीति बरदरी में अगर कोई ग़रीब मस्किन शख्स है तो उसकी उसी तरह मदद करे जिस तरह एक मुसलमान ग़रीब के करते हैं मुफ्त साहब मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बात की है आप भी एक इसी तरह का एक खूबसूरत मैसेज कन्वे करें क्योंकि हमारे देखने वाले सुनने वाले आप लोगों की बातों को ग़ौर से सुनते भी हैं उन पर अमल भी करते हैं किस माह मुकदस में आपका पैगाम क्या होगा जी देखिए मैं एक तो आपको अर्ज़ करूं कि मैं जो पाकिस्तान नेशनल मिनोरिटी कमीशन है उसका मेंबर भी हूं तो हम वहां पर तमाम जो है मजाहब के लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ और बड़ा यानी मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसी एक सैट्सफेक्शन है के पाकिस्तान में अकलीतें बहुत खूबसूरत और अच्छे तरीके से रह रही हैं वो पाकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं बन रही और अलहमद मुसलमान भी जो है वो उनके साथ यानी जो उनके हम हम वहाँ पर बैठ कर बड़े भाई और छोटे भाई की हैसियत से बात करते हैं कि मुसलमान वो कहते हैं हमारे बड़े भाई हैं हम हम उन्हें कहते हैं कि हम आप जो है वो हमारे छोटे भाई हैं इस तरह जो है वो हम पाकिस्तानीयत का जो रिश्ता है उसको उजागर करते हैं मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी भी, आ, यानी नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी अकलीत भी मैं तो उन्होंने नहीं कहता मैं उनको नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी कहता हूँ नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी जहाँ कहीं माली मसाइल का शिकार हैं या दीगर हवालों से शिकार हैं तो हम सब का ये फ़र्ज़ ऐन है कि उन लोगों की जो है वो माली मुआवनत करें और रमज़ानमबारक में जितना हो सकता है हम अपने अमूमी सदक़ात जो हैं वो उनके लिए पेश करें ताकि एक गुड जस्चर जो है वो उनके जहनों में आए और एक बाही महबत और जो, जो रिश्ता है पाकिस्तानी नेशन वो मजबूत भी हो और दुनिया को भी मैसेज जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया जाए कि हम जो है वो अपनी अकलीतों के साथ कितनी प्यार और मोहब्बत करते हैं गुलजार मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ आप तीफ लाए डॉक्टर शम साहब आपकी बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया आप इस बाबरकत महफिल में शर्क हुए नाजरीन आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मतबरक और खूबसूरत महफिल में हमारे साथ शिरकत की प्रोग्राम को सुना आपने ना सिर्फ इस प्रोग्राम को सुना बल्कि इस्लाम की जो एक आलमगीर हैसियत है आप उसे तस्लीम भी करते हैं इस मुबारक महीने में आपके किरदार आपके हकूक़ और आपके फरज़ की भी बात हुई जिस पर आपने अमल करना है इस्लाम दुनिया में एक ऐसा मजहब है जो दुनिया के तमाम तबकात को मजाहब को अपने हाँ एक रवादारी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने और मसावा की तलकीन करता है और हमने इसी मुक़दस महीने में सबको साथ ले कर चलना है मुख्य हजरात ने अल्लाह की राह में अपनी दौलत को इस्तेमाल करना है गरीब की मदद कर और हमने इस्लाम का वही ख़ूबसूरत चेहरा पेश करना है जिसकी हमें कुरान करता है जिसकी हमें नमाज में हिदायत होती है जिसमें रोज़ा है हाज है जकवात है और मैं इसी ख़ूबसूरत शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा जो हज़रत ने कहा यही मकसूद फ़ितरत है यही रमज मुसलमानी की जहागीरी मोहब्बत की फरावानी बुतान रंगे खून को तोड़कर मिल्लत मिलत में गुम हो जा न तौरानी रहे बाकी न ईरानी अफगानी इसी के साथ ही अस्मत हाशवानी को अपनी टीम के साथ दीजिए इजाज़त बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद